हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नंबर सीरीज का टाइप थ्री करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एम स्क्वायर प्लस एम, मतलब इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका आज क्वेश्चंस करेंगे। सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस होंगे, जहां यहां पर एम का मतलब जो वैल्यू हो सकता है ऑड नंबर, इवन नंबर या प्राइम नंबर्स, कहने का मतलब विषम संख्या, सम संख्या या अभाज्य संख्या हो सकती है। यहाँ पर आपका फॉर्म ये भी हो सकता है कि एम स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस भी रह सकता है, और एम स्क्वायर प्लस माइनस एक भी रह सकता है, एम स्क्वायर प्लस माइनस दो भी रह सकता है। कहने का मतलब एम स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ एन हो सकता है, और एन के जगह पर हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि एन का मान ऑड इवन प्राइम इस प्रकार से हो सकता है। ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा, मेन पैटर्न आपका ये है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट में 19 अक्टूबर 2014 को शिफ्ट वन में। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो सबसे पहले स्क्वायर पर जाइए, 156 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 12 का स्क्वायर के करीब है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169, तो 13 का स्क्वायर से ये ज्यादा हो जाता है, यानी कि 12 का स्क्वायर, और इसमें हम 12 ही जोड़ देते हैं तो 144 और 12 आपका हो जाएगा। देख सकते हैं 144 प्लस 12 करेंगे तो आपका 156 हो रहा है, यानी कि ये 12 का स्क्वायर प्लस 12 है। अब 506 किसका स्क्वायर के करीब है, जो पता कीजिए, तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 23 का स्क्वायर 529, तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर से ये ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है 529 है, यानी कि आपको 22 का स्क्वायर 484 है उसे लेना है, तो 22 का स्क्वायर प्लस 22 हम करते हैं, मतलब यहाँ पर 484 में हम 22 जोड़ देते हैं, तो देख सकते हैं ये आपका 506 हो रहा है। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, पहले 12 था, उसके बाद 22 हुआ, यानी कि 12 10 22, उसके बाद कितना होगा 22 और 10 32, यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस 32 होगा, उसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा 32 और 10 42, यानी कि 42 का स्क्वायर प्लस 42 है। आपको यहाँ पर हम इस प्रकार से डायग्राम बनाकर भी लिख देते हैं कि 12 से 22 हुआ, कहने का मतलब 10 बढ़ा है, फिर 22 से 32 होगा, फिर 10 बढ़ेगा, फिर 32 से 42 होगा, फिर 10 बढ़ेगा। यहाँ चेक कर भी देख सकते हैं कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 32 का स्क्वायर प्लस 32 आपको पता होना चाहिए, 32 का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो 1024 में आप 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका आंसर 1024, और 32 कितना होता है 96, तो इस प्रकार से 1056 होगा ये आपका। तो 1056 आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है देख सकते हैं, 1056 फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ भी देख सकते हैं 42 का स्क्वायर प्लस 42 करेंगे तो 1806 आना चाहिए, तो 42 का स्क्वायर प्लस 42 आप करके देख लीजिए, 42 का स्क्वायर प्लस 42 कीजिए तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 50 से 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64, और 25 में 8 घटा देंगे, कहने का मतलब 17, इतना में 42 जुड़िए तो ये आपका 426, 6410, 17 1 18, 18 06 हो रहा है, यानी कि मेरा जो रूल है ये सेटिस्फाई कर रहा है एम स्क्वायर प्लस एम पर। पहला 12 का स्क्वायर प्लस 12 किए तो 156 आ गया, फिर 22 का स्क्वायर प्लस 22 किए तो 506 आ गया, 12 से 22 हुआ यानी कि 10 बढ़ा, अब की बार 22 से 32 होना चाहिए तो 32 का स्क्वायर प्लस 32 करेंगे तो 1056 हो रहा है, फिर 32 में 10 42, यानी कि 42 का स्क्वायर प्लस 42 तो 1806 हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 1056 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसके आगे सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड, ये आपका 28 नवंबर 2018 को आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का सेकेंड नंबर है। देखिए ये आपका 6, 11, 27, 51, 123, 171, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपका नंबर सीरीज दिया गया है, तो यहाँ पर आपको 6 है जो किसके स्क्वायर के करीब है, तो 2 के स्क्वायर के करीब है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 हो जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 करने पर 6 हो रहा है। उसके बाद 11 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 3 के स्क्वायर 9 होता है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे यानी कि 9 प्लस 2 तो 11, ये 6 हो रहा है, ये 11 हो रहा है। उसी प्रकार से 2, 3, 27 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 5 का स्क्वायर 25 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 5 के स्क्वायर के करीब है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 25 प्लस 2 तो आपका 27 हो रहा है। उसी प्रकार से 51 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 7 का स्क्वायर 49 उसके करीब है, यानी कि यहाँ पर आपको ये पहचान में आना चाहिए कि किसके स्क्वायर के करीब है, जो पहले 123, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121,
तो 11 का स्क्वायर और प्लस 2 करते हैं तो आपका 121 में 2 जोड़ते हैं तो 130 हो रहा है। उसी प्रकार से 171 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 16 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289 ज्यादा हो जाता है, 15 का स्क्वायर से भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 11 के बाद 12 ही देखते हैं, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, तो 14 का स्क्वायर इससे आगे हो जाता है, तो 13 का स्क्वायर देखेंगे, तो 13 का स्क्वायर 169 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 171। कहने का मतलब ये आपका जो दिया गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी कि सभी आपका क्या यहाँ पर है, सभी आपका प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कहने का मतलब हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही दूसरा नाम क्या बोला जाता है, रूढ़ संख्या। और अभाज्य संख्या सबसे पहला 2 होता है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, इसके बाद आपको पता होगा 13 तक यहाँ हमने लिखा ही है, 13 के बाद 14, 15, 16 ये सब नहीं होता है, उसके बाद डायरेक्ट 17 होता है, 17 के बाद 19 होता है, इस प्रकार से। तो 13 के बाद कितना होना चाहिए, ये 13 तो यहाँ तक है ही, 13 के बाद अगला कितना होना चाहिए, 17, तो 17 का स्क्वायर प्लस 2, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 289 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 291, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 291 आपका ऑप्शन नंबर डी है। हमने पूरा फुल एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस नंबर सेकंड का, किसी भी प्रकार का इस प्रकार के क्वेश्चंस रहे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ये आपका था प्राइम नंबर्स, इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ चुके होंगे। देखिए क्वेश्चंस नंबर सेकंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चंस नंबर देखिए थर्ड, ये आरआरबी एएसएम में 2003 2009 और 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चंस ये आपका है 0, 8, 15 और 24, तो ये स्क्वायर कोई भी संख्या रहेगा और उसमें प्लस वन या माइनस वन इस प्रकार का वैरायटी का हमने जो सीरीज दिया है। देखिए 24 5 का स्क्वायर है से एक कम है, उसी प्रकार से ये आपका 15 है जो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसमें से एक कम है। 8 है जो 9 का मतलब 9 माइनस एक यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस एक है, तो देख रहे हैं कि 5 हुआ, 5 से एक कम 4 हुआ, 4 से एक कम 3 हुआ, और 3 से एक कम यहाँ कितना होना चाहिए 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना हो जाएगा 4 माइनस एक, तो कहने का मतलब यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर फिर एक यहाँ से कम होगा तो अभी 1 का स्क्वायर माइनस एक, तो 1 माइनस एक 0 है ही, तो इस प्रश्न का आंसर 3 हो गया, जो 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, भाग का आंसर 3 हो गया जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, ये आरआरबी 2003 में 2 बार, 2009 में 1 बार पूछा गया है। ये 9, 8, 14, 24, 34, 47 यहाँ पर क्या होगा, चारों ऑप्शन आपको दिया गया है। तो देखिए 2 है जो क्या है, ये आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, 9 है, 8 है जो 9 माइनस है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस है, 14 है जो 4 का स्क्वायर माइनस 2, 24 है जो 5 का स्क्वायर मतलब 25 माइनस है, तो देख रहे हैं पहले माइनस 2 हुआ, उसके बाद यहाँ पर माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर माइनस 2, फिर माइनस 1, अब की बार यहाँ से अंक भी देखिए 2 के बाद 3, 4, 5 यहाँ पर कितना होना चाहिए, 5 के बाद यहाँ 6 होना चाहिए, और 2, 1, 2, 1 फिर यहाँ पर 2 घटेगा तो 36 माइनस 2 34 हो रहा है, फिर 6 के बाद यहाँ कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर अगली बार मतलब 2, 1, 2 फिर 1 घटा देंगे तो 49 में से 48 हो रहा है, 7 के बाद कितना होगा 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 1 के बाद 2 घट रहा है, देख सकते हैं 2, 1, 2, 1, 2, 1 फिर 2 होगा यानी कि 64 में से 2 घटा देंगे तो आपके प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 62, तो 62 आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका मेथड फर्स्ट देखिए डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड हम बताएंगे आपको स्पेशल टाइप देकर, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं, ये देखिए 2 से 4 हुआ है 6 हुआ है यानी कि 4 का गैपिंग है, 6 से 12 हुआ है 6 का गैपिंग है, 12 से 20 हुआ 8 का गैपिंग, 20 से 30 हुआ 10 का गैपिंग, तो 4, 6, 8, 10 अब की बार यहाँ पर कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए, तो 30 में 12 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 42, और 42 आपके प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसका मेथड सेकंड देखिए जो यहाँ पर रूल चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर से 2 है जो आपको पता होना चाहिए 2 का स्क्वायर माइनस कितना है 2, 4 माइनस 2 हो रहा है, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में से हम 3 घटा देंगे तो 6 हो रहा है, 12 है जो 4 का स्क्वायर
16 होता है 16 में से 4 घटा देंगे तो 12 हो रहा है, 20 है जो 5 का स्क्वायर 25 में से 5 घटा देंगे तो आपका 20 हो जाएगा, 30 है जो 6 का स्क्वायर 36 में से 6 घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर भाग के जगह पर क्या होगा, इसके लिए 6 के बाद अब की बार 7 का स्क्वायर में से 7 घटा देंगे तो 49 - 7 कहने का मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा 42। तो क्वेश्चंस नंबर देखिए 6 0 1 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 2 का स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे यानी कि 4 + 1 तो 5 हो रहा है, 1 - 1 तो 0 हो रहा है, ये आप समझ रहे होंगे, 9 में से 1 घटा देंगे तो आपका 8 हो रहा है यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 तो देखिए 1 2 3 अब की बार यहां 4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 फिर प्लस 1 होगा तो 16 प्लस 1 आपका आंसर कितना हो जाएगा 16 और 1 कितना हो गया 17। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 17 जो ऑप्शन नंबर बी है। तो यहां देखिए 0 1 का स्क्वायर माइनस 1 5 2 का स्क्वायर प्लस 1 8 3 का स्क्वायर माइनस 1 17 4 का स्क्वायर 16 में से 1 जोड़ देंगे 17 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस 1 25 माइनस 1 24 हो रहा है, फिर 6 का स्क्वायर देख सकते हैं माइनस 1 हुआ है प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अब की बार प्लस 1 होगा 1 2 3 4 5 तो यहां पर 6 होगा, इस प्रकार से 6 का स्क्वायर 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका मैट एग्जाम 1995 में पूछा गया था। क्वेश्चंस नंबर देखिए 8 आरआरबी 2001 और 2006 में पूछा गया है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है लेकिन बाय यूनिट डिजिट इसे हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 5 5 कहां है किसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 आप जानते होंगे, इस प्रकार से 5 को हमने लिखा 26 तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 677 को कैसे लिखेंगे, यहां से एक पैटर्न आप समझ सकते हैं कि 1 से 2 हुआ है, कहने का मतलब 1 दूनी 2 इस प्रकार से मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 करके आपको इस प्रकार से लिखा गया है। आगे पहले लिख देते हैं 676 है जो 26 का स्क्वायर कितना होता है 26 26 से 676 होता है तो यहां पर से पहले लिख देते हैं 26 का स्क्वायर प्लस 1 26 का स्क्वायर होता है 676 में 1 जोड़ेंगे तो 677 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होगा जो समझाना चाह रहे हैं तो ये देखिए कैसे लिखाया है जो मतलब 1 से 2 हुआ है मतलब 1 गुना 2 प्लस इस प्रकार से 1 दूनी 2 कर सकते हैं और यहाँ पर 2 से 5 हुआ है तो 2 से 5 हुआ है कहने का मतलब कैसे हुआ 2 से 5 जो आपको समझना है तो 1 दूनी 2 में 0 जोड़ेंगे तब हो रहा है तो वो पैटर्न नहीं फॉलो करेगा तो यहाँ पर से 1 का स्क्वायर और प्लस 1 करेंगे तो 1 और 1 इस प्रकार से ये 1 से ये वाला ये 2 हुआ है ये 2 से 5 कैसे हुआ है तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो इस प्रकार से ये वाला 5 हुआ है। 5 से ये 26 कैसे हुआ है तो 5 से 26 होने के लिए 5 का स्क्वायर 25 हुआ और प्लस 1 मतलब इस प्रकार से 26 हुआ है। फिर नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर किसका स्क्वायर करके लिखेंगे प्लस 1 तो यहाँ पर किसका स्क्वायर होगा तो 26 जो है यही जैसे देखिए 5 किसका हुआ था तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 26 किसका हुआ तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर क्या होगा 26 का स्क्वायर और प्लस 1 यानी कि 676 का स्क्वायर करेंगे 676 और 1 कितना हो जाएगा 677 यानी कि 677 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 तो 677 मतलब इकाई अंक लेंगे तो 7 का कितना होगा 749 इधर कुछ भी होगा और प्लस 1 तो 9 और 1 कितना हो रहा है 10 मतलब लास्ट यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 0 तो 0 यहां पर है तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या आप पूरा करके देख सकते हैं कि 26 का स्क्वायर मतलब कितना 600 डायरेक्ट 76 में 1 जोड़े डायरेक्ट लिखते हैं 677 हुआ ये वाला लिख रहे हैं 677 का स्क्वायर करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये 45 कितना लिखा गया है और 8 है 45 है 83 है 30 है ये आपका आ जाएगा गुना करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 1 के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चंस क्वेश्चंस नंबर देखिए 9 ये आरआरबी 2014 में पूछा गया है ये आरआरसी 2013 पूछा गया है 10 नंबर क्वेश्चंस 9 है जो किसके स्क्वायर के करीब है तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर 9 हुआ इसमें 2 जोड़ देंगे मतलब 3 का स्क्वायर के करीब है 11 इसमें 2 जोड़ने पर 18 16 है जो 4 का स्क्वायर इसमें 2 जोड़ने पर हो जाएगा यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे तो 16 और 2 18 हो रहा है। उसी प्रकार से 27 5 का स्क्वायर 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 2 तो 25 और 2 27 हो रहा है।
तो तीन चार पांच जबकि बाद छह हो जाएगा, तो छह का स्क्वायर प्लस दो तो 36 और दो यानी कि 38 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ देखिए 120 है तो 120 किसके स्क्वायर के करीब है, तो 121 से एक कम है, 120 को लिख सकते हैं 121 से एक कम मतलब 11 का स्क्वायर माइनस एक। उसी प्रकार से ये 100 माइनस एक है यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस एक, ये 9 का स्क्वायर माइनस एक, ये लिख सकते हैं 11 हुआ 10 हुआ 9 हुआ आपके बार 8 होगा, 8 का स्क्वायर माइनस एक आपके बार 7 होगा तो 7 का स्क्वायर माइनस एक यानी कि 7 × 49 में से एक जाएगा 48 आपके बार कितना हो जाएगा 9 के बाद 8 हुआ फिर 7 हुआ आपके बार 6 होगा, 6 का स्क्वायर माइनस एक यानी कि कितना हो जाएगा आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 35। तो इस प्रकार से हमने एक ही वैरायटी के टोटल एम स्क्वायर प्लस एम प्लस माइनस एम या प्लस माइनस एम पर आधारित जो भी क्वेश्चंस और डिविजन प्राइम नंबर्स किए। नेक्स्ट वीडियो होगा जो आपका m का क्यूब प्लस माइनस m या m का क्यूब प्लस माइनस n या रॉन्ग टर्म पर भी आपको क्वेश्चंस करा सकते हैं। तो इस प्रकार का हमने टोटल टाइप 3 कराया है नंबर सीरीज का। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सारा वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे और जिसमें डॉट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। अगर यह वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।